बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल के दौर में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो अच्छी डिग्री पर है कि हमारी तालीम का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है और क्या पढ़ा है। क्योंकि जब से ये डिग्री बराए मुलाजमत का या तालीम बराए मुलाजमत का एक हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आया है तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू है, क्या ग्रेड है जिसकी अहमियत है, कौन सा फील्ड और एरिया है जिसमें कि हमें जाना चाहिए। और वो जो एक तालीम व तरबियत का एक जो कॉन्सेप्ट था वो समहाउ हमें लगता है ऑब्सोलीट हो गया, मफकूदी है हमारे पूरे निज़ाम में। और ये ज़िम्मेदारी हुआ करती थी निज़ाम तालीम की भी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक दिन के मौलाना शिबली नुमानी की एक कहानी जो कि मेरे मामू ने मुझे सुनाई कि हम लोग तो इस तरह की टेक्स्ट बुक्स में हमारी कहानियाँ होती थी कि इंसान की वक़्त, इंसान की वैल्यू, उसको कैसे आपने रिस्पेक्ट करना है। वो कहानियाँ भी गईं, टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी बहुत तब्दील हो गई और उसके साथ साथ हमारे घरों का माहौल भी बिल्कुल तब्दील हो गया। ख़ास तौर पर चूँकि माँ के पास ये वक्त होता था कि वो बच्चों के साथ एक ऐसा वक्त गुजारती है जिसमें बच्चे खेल कूद में भी हैं, ज़्यादातर वक्त घर पे हैं, माँ ज़्यादा साथ है, तो माँ बच्चों की जो है वो तरबियत किया करती थी और ये तरबियत जो है ये उनकी किरदार साजी करती थी। और उस किरदार साजी के नतीजे में फिर हमें हर फील्ड में, अगर पुलिस में भी कोई शख्स खड़ा है तो उसकी किरदार साजी जो उसके जो की गई है वो नज़र आती थी। कोई जज है, कोई जर्नैल है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई मीडिया का बंदा है, कोई डॉक्टर है और इंजीनियर है, हर फील्ड के अंदर जो एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट था, अखलाकियात का जो एक तसव्वुर था वो मौजूद था और होना भी चाहिए। ये ऊपर से नहीं आ सकता है कि अचानक से किसी शख्स के ऊपर जो है वो अच्छा या अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए। इसके पीछे हमेशा एक मुसलसल नस्लों की कोशिशें और काविशें होती हैं और मुझे नहीं समझ आती कि हम कैसे इस चीज़ के साथ एडजस्ट कर रहे हैं अब कि हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और सिर्फ बताएं नहीं बल्कि उसके ऊपर इंसिस्ट करें कि उन्होंने वो करना है जो सही है, बजाय इसके कि वो करें जो सब कर रहे हैं, जिसके करने के नतीजे में उन्हें बज़ाहिर बहुत गेंस जो है वो नज़र आते हैं। क्योंकि जब हम किसी के सिर्फ एक तालीम का ज़रिए से एक जिसे कहते हैं उसके जहन को से भरमार कर देते हैं ना इंफॉर्मेशन से, मालूमात से और इस दुनियावी चीज़ों से, और उसके साथ उसके किरदार साजी जो है वो नहीं होती, उसकी तरबियत नहीं होती, तो फिर उसके नतीजे में वो एक इंसान नहीं बनता, वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर के फिर अखलाकियात का और दूसरों की रिस्पेक्ट का और जो दुनियावी जो बहुत सारे अच्छे करने के काम है उसका तसव्वुर ही मफकूद होता है। सो आई विश के हम दोबारा से अपने अंदर वो कहानियाँ, वो बातें, वो तरबियतें, वो नसीहतें, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल करें और सिर्फ लफ्जी तौर पर बात करके उसको हम ना समझें, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली है, उसके लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे वो फॉलो भी करें और उसके लिए हमें ख़ुद उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली करना होगा। जस्ट थाट जो मैंने आपके साथ शेयर की बिफोर टेकिंग द ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ।